सूत जी कहते हैं सौनकादिक। सौनक जी ध्यान से सुनना, बाबा के धाम को गए। चंचुला माता की सखी बनी और उनका पति बाबा का गिन बना। सोची कहते हैं सोनक, ये वो कथा है जिसे बाबा ने स्वयं गाया है, ये वो गाथा है जिसे भगवान शिव ने सबसे पहले स्वयं बखान किया। विश्व में पहली कथा है अपनी ही कथा जिसने स्वयं गाई हो, स्वयं कहा हो। चौथे अध्याय में कथा श्रवण की विधि बताई है। जो संकल्पी हो, जो यजमान बना हो, सूची कहते हैं यजमान बनने का अवसर भी सबको नहीं मिलता। शिव कथा कराने का सबको सुअवसर नहीं मिलता। ये कथा तो बड़भागियों के भाग्य में लिखी है, ये कथा तो बहुत श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य में लिखी है। बाबा ने अपनी कथा सबके भाग्य में नहीं लिखी। जिस भी बड़भागी के भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में ये कथा लिखी हो, जो यजमान बन सके इस कथा में, उसे विशुद्ध रहना चाहिए। और ऋषियों, उससे पहले एक अच्छे ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त का निरूपण किया जाए। अच्छे मुहूर्त में शुभ स्थान पर इस कथा का व्याख्यान किया जाए। श्रद्धालुओं के लिए, श्रोताओं के लिए उत्तम व्यवस्था हो। जो कथा प्रवचन करे उसे शिव भक्त होना चाहिए। इसमें एक से अनेक संकल्पी हो सकते हैं। शिव कथा का संकल्प करने वाला अगर हो सके तो व्रत करके कथा सुने। शारीरिक अक्षमता हो तो एक समय व्रत करे, एक समय भोजन कर ले। और ज्यादा अक्षमता है तो दोनों समय भी भोजन करे, कोई समस्या नहीं, लेकिन कथा पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुने। संभव हो सके तो प्याज, लहसुन और उन वस्तुओं का सेवन नहीं करे जो आपको आलस्य प्रदान करते हैं, जो आपको सोने पर मजबूर करते हैं। आप सो जाएं और आपको पता नहीं चले, आप मानने को तैयार नहीं हो, बगल वाला कह रहा है सुनो सो हाँ? हम कहां सो रहे हैं? हाँ? हम नहीं सो रहे। सोने वाला कभी ये नहीं कहता मैं सो रहा हूं। ध्यान समझना, बड़ा भाव है इस बात में। जो सो रहा है, चाहे वो शारीरिक रूप से सो रहा है, चाहे मानसिक तौर पर सो रहा है और चाहे बौद्धिक रूप से सो रहा है, सोने वाला कभी नहीं मानता कि मैं सो रहा हूं। वो हमेशा कहता मैं जाग रहा हूं। तुम जिसे जगाने जाओगे तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। मुझ दास से पूछो, मैं रोज जगाने की कोशिश कर रहा हूं, रोज प्रयास कर रहा हूं लोगों को जगाने की। मैं अपने को बड़भागी समझता हूं, बाबा शिव की महती अनुकंपा समझता हूं कि मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं और बाबा की कृपा से लोग जाग रहे हैं। रातों में वो एक गाना है ना,
हम रातों में उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने जिनके लिए जो प्रयास करते हैं, जिनके लिए कोशिश करते हैं, उनको नहीं समझ आता जल्दी। तो खैर, सोने की बात पर कह रहा था, इस बात पे फिर कभी बात करेंगे। सोना बहुत महंगा है, सोने वाला मानता नहीं। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया, सारे राक्षसों को मारा यद्यपि, लेकिन जब कुंभकर्ण को मारा तो कुंभकर्ण की पत्नी आकर के राम जी से कहती है कि मैं चैलेंज कर रही हूं, आपकी दुकान बंद करा दूंगी। भगवान मुस्कुराए, बोले मेरी कोई दुकान ही नहीं है। मेरी तो कोई दुकान नहीं है, कौन सी दुकान बंद कराओगी देवी? बोली जरा सोचो, कोई भजन नहीं करेगा, कोई सत्संग नहीं सुनेगा, कोई शुभ काम नहीं करेगा, कोई जप नहीं करेगा, तो स्वर्ग में कौन जाएगा? और अगर कोई कहीं ना जाए तो वहां तो ताला ही लग जाता है ना प्रभु। जो भी सत्संग सुनेंगे, जो भी भजन करेंगे, जो भी मनन करेंगे, जो भी चिंतन करेंगे, हम उनके मनमस्तिष्क में बैठ करके उनको सुला देंगे, क्योंकि हमारा नाम निद्रा देवी है। भगवान राम मुस्कुराकर बोले, देवी तुम अपना काम करना, हम अपना काम करेंगे। हम बीच बीच में घंटा, घड़ियाल, मृदंग, शंख इत्यादि का वादन कराएंगे और जयकार लगवाते रहेंगे। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत्, बार बार जय घोष कराएंगे और बार बार शंख घंटा घड़ियाल इत्यादि बजा देंगे तो लोग जाग जाएंगे और निद्रा आ भी रही होगी तो चली जाएगी। तो बार बार निद्रा देवी को जगाने के लिए हम आपको फिर से प्रयास कर रहे हैं। वैसे आप सब शिव भक्त हैं, आप नहीं सोते। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी ने जो मार्गदर्शन दिया उसी चलते रहे, हमारे सारे काम हो रहे हैं। मिलकर ऐसा लग रहा है बार बार मिलूं मैं उनसे, ऐसा हो रहा है। ओम नमः शिवाय। ये तो सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए था। सूत जी कह रहे हैं नियमावली के आधार पर फिर से तुम्हें नियम बता रहे हैं। विशुद्ध मन से, सात्विक मन से, सात्विक भोजन करके, व्रत उपवास करके, पूरी पवित्रता के साथ भगवान शिव की महिमा सुने, शिव महापुराण को सुनना चाहिए। और ऋषियों यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्रोता के साथ एक और खास बात है, जो भी समय शिव महापुराण का हो उसके पहले अपने सारे काम संपादित कर लें। जिस समय तुम्हें कथा में जाना हो उस दिन अपना सारा का सारा काम प्रयास करें कथा प्रारंभ होने के पहले ही समाप्त कर लें। कथा शुरू होने से कथा संपूर्ण होने तक आपको निरंतर कथा में मन लगाना चाहिए। और प्रारंभ से लेकर अंतिम तक बिना संकल्प के भी अगर आप सुनते हैं तो आपको
शिव पद की प्राप्ति होती है, शिव के चरणों में अनुराग बढ़ता है और शिव के चरणों में अनुरागियों के जीवन में दुख समाप्त हो जाते हैं, तकलीफें समाप्त हो जाती हैं, मनवांक्षित फल की प्राप्ति होती है और अंत लोक में शिव धाम को जाने का अवसर मिलता है। एक ही जगह पर बैठकर एक ही आसन पर कथा सुनने का अपना फल मिलता है। बाबा शिव हमेशा तुम्हें एक ही आसन पर बैठे मिलेंगे। और ये मुद्रा बाबा शिव तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बना रहे हैं। शिव महापुराण कहती है कि बाबा की कथा पूरे मनोयोग से सुनने वालों को, पूरी श्रद्धा और विश्वास से संकल्पित होकर सुनने वालों को, जो लोग यजमान बनकर आगे बैठकर सुन रहे हैं उनको भी, जो सबसे पीछे बैठे हैं मैं देख पा रहा हूं आप लोगों को, जो पंडाल में सबसे पीछे बैठे हैं उन लोगों तक भी संकल्पेन समर्पितम तब विभो पूजा ग्रहणा प्रभो। शिव मानस कहता है तुम मानसिक तौर पर भी संकल्पित हो तो तुम संकल्पित हो इस कथा में, और ये कथा तुम्हें अंदर तक रंग देगी। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। और कथा में क्या करें, छत्रम चामरयोर्यगम व्यजनकम चा आदर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग का हलकला गीतम च नृत्यम तथा। साथ संगार के साथ बीच बीच में गीत संगीत के माध्यम से शिव के सुंदर सुंदर भजनों का उपाख्यान करें, गीतम च नृत्यम तथा। अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा मानस, तुम्हारी शारीरिक गतिविधि और तुम्हारा शरीर अलाउ करता है तो नृत्यम तथा तुम नृत्य कर सकते हो। बाबा के दरबार में नाचने वालों को पूरी दुनिया में नाचना बंद हो जाता है, पूरे विश्व के चक्कर लगाने वालों, दिन भर घूमते रहने वालों, खूब भागम दौड़ करने वालों, जब तुम कहते हो ना कि भैया बहुत व्यस्त हो तो तुम सच मानना, हेलो ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना, तुम अस्त व्यस्त हो, व्यस्त नहीं हो। तुम जितना काम कर रहे हो तुमसे श्रेष्ठ आदमी उससे ज्यादा काम छोड़ देता है रोज, मतलब बेचारा छूट जाता होगा। भगवान शिव कहते हैं जब कोई बहुत नशेड़ी मिले ना, किसी भी चीज में नशा करने वाला, तो थोड़ा और अच्छे लेवल वाला पता क्या कहता है, तुम जितने में नशे में हुए हो हम उतना छोड़ देते हैं रोज, क्लास में ही। तो समझना तुम जितने काम में बड़े बिजी मान रहे हो एक ठीक काम करने वाला व्यक्ति उतना छोड़ देता है रोज, तो तुम व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो। उसको शेड्यूल्ड करो, सिस्टमेटिक करो। बड़ा बनना है ना तुम्हें, तुम्हें श्रेष्ठ होना है ना, तुम्हें बहुत मजबूत होना है, बहुत कीमती होना है, जेब में बहुत सारे पैसे रखने हैं, खूब सारा जेवर चाहिए, खूब सारा श्रृंगार चाहिए, खूब सारे वस्त्रादिक व्यवस्थाएं चाहिए, घर बड़ा सुंदर चाहिए, गाड़ी बहुत भारी चाहिए, और मकान थोड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए, बैंक बैलेंस थोड़ा बड़े नंबरों में होना चाहिए, ये सब तुम चाहते हो ना। तो बच्चों अपने काम की क्वालिटी बढ़ाओ, हाँ प्रोडक्टिविटी बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी है ना, हमारी अंग्रेजी थोड़ा अंग्रेजी टाइप है,
इसका सीधा संबंध ये है कि तुम जितनी ज्यादा अपनी सामर्थ्य बढ़ाते हो, तुम जितना ज्यादा से ज्यादा अपना कौशल बड़ा करते हो, तुम जितना ज्यादा से ज्यादा अपना बौद्धिक विकास करते हो, अपना शारीरिक श्रम और बढ़ाते हो, मानसिक बौद्धिक बल और बढ़ाते हो, तुम उतने ज्यादा बड़े होते हो। सूत जी कहते हैं कथा श्रवण के नियमों में प्रयास करें, स्वल्पाहार करें, बहुत अधिक भोजन नहीं कर लें। अधिकतर देखा गया है कि व्रत इत्यादि में लोग बहुत सारा खाना खा लेते हैं, बड़ा गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं। अरे अरे आज तो व्रत है, और फिर क्या होगा, कूटू सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा, इसकी पकौड़ी, आलू का कचालू और मखाने की खीर और थोड़े से काजू पिस्ता अलग से भूंज कर रख देना, थोड़ा एक काम करना बादाम का हलवा बना देना, और इतने से काम नहीं चला केसर वाला दूध जरूर लेते आना, और दोपहर में लस्सी की खास व्यवस्था रखना, जूस से ज़्यादा कुछ खास चाहिए नहीं, और हाँ मूँगफली के दाने चाय के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा है, उसमें सेंधा नमक डाल देना, मिर्च हरी वाला डालना, लाल वाला व्रत में खाते नहीं है ना इसलिए, और हाँ ध्यान रखना ये सारा का सारा पकवान देशी घी में बनाना क्योंकि इसमें तेल नहीं खाया जाता। अरे व्रती है ना, शाबाश, ऐसा लगता है व्रत नहीं है किसी युद्ध की तैयारी है। व्रत उपवास कहते हैं, उप पहले समझो किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आचार्य, उपाचार्य, हाँ? मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जब भी जो भी काम तुम रेगुलर कर रहे हो उससे कुछ हटकर जब करते हो तो उसे उपवास कहते हैं। रोज तुम बेड पर सोते हो उस दिन जमीन पर सोना, रोज तुम झूठ बोलते हो, तुम प्रपंच करते हो, सीधे सीधे कहो हिंसा असत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करे, हिंसा असत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करे, श्री सद्गुरु नाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सत मार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। राज
राजस्थान की पावन धरा, जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें, नंबर है 9936601255, 9936601255।